अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इस बार मुस्लिम देशों के मंच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। OIC की अबू धाबी में विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को विशिष्ट अतिथि के तौर पर न्योता भेजा गया था, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि अगर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस मंच पर आमंत्रित किया जाता है तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान इस मंच का फाउंडिंग मेंबर भी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की इस धमकी का कोई असर OIC पर पड़ता दिखाई नहीं दिया। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गई हैं, जहां वो दो दिवसीय OIC विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगी। ये पहली बार है जब भारत भी OIC की बैठक का हिस्सा होगा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। अमेरिका समेत कई मुल्कों ने पाक से आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। चीन को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश अब पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर नहीं आता। वहीं इस्लामिक देशों के इस मंच पर भी अब पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। इस्लामी सहयोग संगठन के 57 सदस्य हैं, जिनमें से 56 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य हैं। अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनेई, मिस्र, गैबॉन, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत जैसे देश इसके सदस्य हैं। जैश के ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक के बाद OIC ही वो अकेला मंच था जिसने भारत की कार्रवाई की निंदा की थी, लेकिन भारत ने कूटनीतिक स्तर पर यह साफ कर दिया है कि भारत की कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं थी बल्कि आतंक के खिलाफ थी। दिलचस्प बात यह है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसी मंच से संबोधित करेंगी। इस मंच से एक बार फिर भारत पुलवामा हमले का जिक्र करेगा और पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ ठोस कदम उठाने को कहेगा।